एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बदायूं डबल मर्डर केस में एक बड़ा अपडेट इस वक्त आ रहा है। डीएम ने एनकाउंटर की जांच के आदेश दे दिए हैं। कल आरोपी साजिश का यहां पर एनकाउंटर हुआ था। डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट को जांच सौंपी है और 15 दिनों में यह जांच रिपोर्ट सामने आएगी। तो बदायूं मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की एक बड़ी खबर। जब पूरा देश चुनावी रंग में रंगा हुआ है, तब इस मां की आंखों से निकल रही आंसू की एक एक बूंद हर किसी को तकलीफ दे रही है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में दिल दहला देने वाली घटना ने सबको अंदर तक झकझोर दिया है। दो मासूम बच्चों की घर में घुसकर गला रेत कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने एनकाउंटर में एक आरोपी साजिद को ढेर कर दिया, लेकिन दूसरा आरोपी जिसका नाम जावेद है वो अभी भी फरार है। इस बीच यूपी पुलिस साजिद के पिता और चाचा को अपने साथ ले गई है। बदायूं में जिन दो मासूम बच्चों की नृशंस हत्या हुई है वो जावेद और साजिद का यही सैलून है। ठीक घर के सामने पे ये सैलून है जहां पर ये सैलून पिछले लंबे समय से चल रहा था। और ठीक घर के सामने मैं दिखाना चाहूंगा कि वो घर दिखाएं, यही ठीक सामने वो घर है। घर पर ये दोनों भाई इनके पहुंचे और वहां से 5,000 रुपए की मांग की। उसने कहा कि मेरी बीबी प्रेग्नेंट है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको 5,000 रुपए की जरूरत है। और उन्होंने 5,000 रुपए निकाल के दिए। इतनी देर में वो जो दोनों आरोपी थे उसमें से एक जो साजिद था वो छत पर गया और दोनों बच्चों को वहीं पर उस तरह से काट दिया। जावेद और साजिद ने जो किया है उसके बाद साजिद को जन्म देने वाली माँ भी कैमरे के सामने इस एनकाउंटर को सही बता रही है। अच्छा, इनके साथ में जो एनकाउंटर हुआ है वो सही है क्या? सही हुआ है, जब गलत काम करोगे तो सही हुआ है, उनके साथ अंजाम जो हुआ है। अच्छा, दूसरा बेटा कहाँ है आपका? दूसरा बेटा पता नहीं कहाँ, पता ही नहीं है। पुलिस जावेद की तलाश में जुटी है, लेकिन चुनावी समय में पूरा मामला सांप्रदायिक रंग में रंगता नजर आ रहा है। विपक्ष यूपी सरकार पर सवाल उठा रहा है तो सत्ताधारी दल के निशाने पर समाजवादी पार्टी है। दो भाइयों की तो जान चली गई ना, क्या उनके भाइयों की जान नहीं बचाई जा सकती थी? पुलिस पहले से काम करती तो। ऐसी कई घटनाएं हैं जहां घटना होने के बाद सरकार ने कार्रवाई की, अधिकारियों को हटाना पड़ा। तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये एनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। दंगों वाली सरकार तो समाजवादी पार्टी थी। दंगों पे लोगों को डरा धमका के रखने वाली सरकार समाजवादी पार्टी थी। हमारी सरकार को 10 साल केंद्र में और लगभग 8 साल प्रदेश में हो गए, एक भी दंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं कराया है। और ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार दंगे में विश्वास रखती है, वो प्रेम भाव में विश्वास रखती है, भाईचारा में विश्वास रखती है। दो मासूमों की दर्दनाक हत्या उस बदायूं में हुई है जिसकी सियासी अहमियत बेहद ज्यादा है। मुस्लिम बहुल बदायूं और उसके आसपास के क्षेत्र में इस हत्याकांड का असर चुनाव में साफ दिखाई दे सकता है। बदायूं सीट पर 1996 से 2019 तक समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। इस सीट पर 6 बार समाजवादी पार्टी जीत चुकी है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने बदायूं में समाजवादी पार्टी को शिकस्त दी थी। बीजेपी की संघमित्रा मौर्य बदायूं की सांसद हैं। बीजेपी संघमित्रा मौर्य को फिर से उम्मीदवार बनाएगी या नहीं, ये तस्वीर अभी तक साफ नहीं। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव जैसे मजबूत प्रत्याशी को यहां से चुनाव मैदान में उतार कर बदायूं के चुनाव को बेहद रोमांचक बना दिया है। बहुत ही दुखित घटना है और इस सरकार का लाइन आर्डर पूरी तरह से फेल है। देखिए, जब एनकाउंटर तो कर ही दिया है तो इसकी खुलेगा कैसे, पहले खोलना चाहिए था। ये सब लोग चाहें कि सपा को अपने घटते हुए गिरते हुए जनाधार को लेकर के ऐसी बातें कह रहे हैं। योगी जी, हिंदू हो या मुसलमान, जिसने भी कानून को अपने हाथ में उत्तर प्रदेश में लेने की कोशिश की है उसको बक्सा नहीं गया है। इस साजिश ने भी कानून को अपने हाथ में लेकर के जिस ढंग से निर्मम हत्या उसने की थी उसकी, और पुलिस के ऊपर भी उसने अटैक किया ऐसा कहा जा रहा है, जिसके कारण उसकी इनकाउंटर में मृत्यु हुई। जहां तक बदायूं के जातीय समीकरण का सवाल है तो यहां सबसे ज्यादा 4 लाख यादव वोटर हैं।
मुस्लिम वोटरों की संख्या भी करीब 3.5 लाख से ज्यादा है। गैर यादव ओबीसी वोटर करीब 2.5 लाख हैं। वैश्य और ब्राह्मण वोटरों की संख्या भी करीब 2.5 लाख है। दलित वोटरों की संख्या 2.25 लाख के करीब है। बदायूं की घटना पर समाजवादी पार्टी की पोस्ट आपको जरूर देखनी चाहिए, जिसमें वो बीजेपी पर चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगा रही है। पोस्ट की पहली ही लाइन में लिखा है, बीजेपी यूपी में दंगा फसाद सांप्रदायिक तनाव खड़ा करके चुनाव जीतना चाहती है और इसी वजह से ऐसी घटनाओं को खुद अंजाम दिलवा रही है और जिलों में सांप्रदायिक तनाव पैदा करवा रही है। बीजेपी समाजवादी पार्टी के इस आरोप पर आग बबूला हो गई और वार पलटवार में देर नहीं की। बदायूं की घटना हैरान करने वाली है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है, बहुत दुख उत्पन्न करने वाली है, लेकिन ऐसी घटना पर समाजवादी पार्टी घटिया राजनीति पर उतर आई है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐसे किसी भी मामले में पूरी कठोरता से कार्रवाई करने का हमेशा उदाहरण दिया है। इस मामले में भी एनकाउंटर करके अपराधी को मार गिराया है। अगर सत्ता सपा की होती तो समाजवादी पार्टी की सत्ता में ऐसे अपराधियों को सत्ता का संरक्षण होता। यूपी में इस वक्त वार पलटवार और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन उस परिवार को भी इंसाफ का इंतजार है जिसने अपने सपनों, अपने भविष्य की उम्मीद, दो मासूमों को खोया है। आरोपी जावेद अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है और उसकी गिरफ्तारी के बाद ही पूरी घटना परत दर परत खुल पाएगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।